हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिज़बान नमाज़ ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं गया था ऑफिस और ऑफिस से जैसे ही निकला हूँ वैसे मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी का सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। जैसे हम लोग का लास्ट टाइम हम लोग का ख़त्म हो गया था तो हम लोग ने मम्मी की तरफ से लाया था, तो मैंने ऑलरेडी मंगा चुका था सिलेंडर और यहाँ पर रखा है सिलेंडर और मैं लेके जा रहा हूँ मम्मी के इधर। वो है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे रे रे रे, वो बंद तो। तो गाइस, यहाँ पर रखा है सिलेंडर, पटक से लेके चलते, बहुत हैवी है। तो मैं लेके जा रहा हूँ अम्मी के पास सिलेंडर, क्योंकि अम्मी बार बार फ़ोन कर रहे हैं और कोई है नहीं घर पे। तो चलो, मैंने अंकल को बुला लिया, रिक्शे में रहें, रिक्शा बुला लिया, बहुत हैवी था यार, रिक्शा बुला लिया, रिक्शे में लेके जाते हैं और थोड़ी देर में। अस्सलामुअलैकुम, ये तुम्हारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं, इतना काम करा रहे हो। तो क्या करेंगे अब, हमारे सिलेंडर भाईजान है नहीं, तो क्या करें अभी, कौन लाए कौन करे सर, हम लोग चाय पीना वो करे अभी, वो चाय नहीं पी कुछ भी। हाँ सही में, हम लोग ने कुछ भी नहीं पिए। चलो सिलेंडर लगाओ, आता है कि नहीं लगा? सिलेंडर निकाल मेरा, तो सिलेंडर मेरे को आता है लगाने के लिए। हाँ, तो शादी हुई है मेरे को हर चीज आने लगी है, समझे। चलो इसको निकाल के लगाता हूँ। चलो गाइस, फाइनली अम्मी के घर आ चुका और अम्मी देखे मेरे को तीन चार भाषण दे ही दिए। तो चलो मैं सिलेंडर लगा लेता हूँ पहला और रेडी करके मैं निकलता हूँ। ओके, और मिलता हूँ थोड़ी देर में, अंकल भी नीचे खड़े, अंकल को भी मैंने बुला लिया, तो अंकल को लेके चलो, मैं तुमको छोड़ भी देता हूँ, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं आपका सिलेंडर लगा दिया हूँ मैं। ओके, आप बना लेना चाय पूड़ी जो भी बनाने का है। इसको क्यों नहीं बोले? हाँ, ये लेके जाती थी घर से, टिफिन बना देती। किसकी टिफिन बना देती? भाईजन की टिफिन बनाती। तो भाईजन गए, तो चलो गाइस, घर के बड़े चले गए हैं, अब मुझे रोज़ आना पड़ेगा घर पे हालचाल पूछने के लिए। तो मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं रोज़ आऊँगा। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ, और कुछ बोलना है? कुछ बोल रहे थे आप? और कुछ नहीं बोलना, ये मैं बोल रही थी कि जो खाना है तो तीन चार पूड़ी है तो ले लो खा। नहीं अम्मी, मैं अभी ऑफिस से आया और बहुत नींद लगी। भूख नहीं लगी? किसको? मिसबा। तुमको भूख नहीं? भूख नहीं लगी। इस बार मेरे को टिफिन दी थी ना मॉर्निंग में, अंडा वंडा सब बना के दी। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो गाइस, मैंने अम्मी के इधर सब काम कर दिया, अम्मी के इधर सिलेंडर लगाने गया था, अम्मी ने मेरे को और दो चार काम दे दिए, वो भी वहाँ काम मैंने कर दिया। और तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगी क्योंकि मैं ऑफिस गया था सुबह 5:30 बजे और मैं अभी आया हूँ। तो अंकल को बुला लिया था, तो अंकल आने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो टेंशन नहीं था। तो चलो चलते हैं घर पे और जाके सोते हैं, कोई थोड़ा रेस्ट कर रही है, मैं भी जाके भी सो जाऊँगा। अगर मिलते हैं बाद में अभी शाम में सीधा लेके, ओके। अगर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो आज सबसे अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं होती है तो माहौल थोड़ा एकदम मस्त रहता है, पर थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो गर्मी बर्दाश्त करो या साफ सुथरी बर्दाश्त करो। बारिश हो जाती है तो बहुत पिछड़ा हो जाता है, तो बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मस्त माहौल है। चलो अपनी बिल्डिंग आ गई है, बाय। तो गाइस, मैं अभी सो के उठा हूँ और मैं ऑफिस के लिए सिर्फ नहाने जा रहा था, तो मैं देखा यहाँ पर मिसबा है नहीं, तो बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। सुबह 6:30 बज रहे हैं और गाइस इधर देखो क्या हो रहे हैं, 6:30 बजे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो ये क्या हो रहा है यार ये। गाइस, हाँ गाइस, मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ, टाइम देखो गाइस, 7:05 और मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। और तुम लोगों को नींद आती कि नहीं, भूख का कोई ठिकाना नहीं, क्या है तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हम लोग कभी भी भूख लग रही है, मैं बताती हूँ असली बात क्या है, झूठा एक नंबर का। ये मुझे फोन किया, मैंने इसको बोली अरबाज एक हफ्ता हो गया तुम मेरे को आए नहीं, दिखे नहीं, बच्चा लेकर आए नहीं, बहुत याद आ रही है अरबाज। तरह बोला हाँ एक काम करता हूँ, आज मेरे को कुछ सामान भी मंगाना था वहाँ से, तो बोला मैं तुम्हारा सामान भी पिकअप करके लाता हूँ, तुम्हारे घर पे भी आता हूँ, वैसे भी मेरे इडली मेंदुवड़ा खाने का बहुत दिल हो रहा है वहाँ का तलोजा का, तो मैं तलोजा का इडली मेंदुवड़ा खाने के लिए आया। तो मतलब ये सिर्फ इडली मेंदुवड़ा खाने के लिए वडाला से इडली डोसा खाने आया, वो भी सुबह के 7:00। मैंने इसको बोली कि मेरे लिए प्लीज सांभर लाना, तो मैं सिर्फ सांभर पीऊंगी। सांबर पेगी इतना सारा सांबर। यस, और इसने इतना लाया, और इतना लाने के बाद देखो क्या बोल रहा है,
मेरे लिए ना दो चम्मच सांबर रख देना, जैसे मैं सच वाकई में इतना खाऊंगी। बताओ कसम से यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा खा लो तुम भी। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और नहा के अभी जाऊंगा ऑफिस। ये लोग बस ऐसे ही खाते रहते गाइस, ये आप लोग को दिखाना था इसलिए मैं दिखा दिया कि सुबह सुबह मिसबा डाइट फॉलो कर रही है। और बस और कुछ नहीं, चलो मैं जा रहा हूँ फटाफट, मेरे को ऑफिस जाने का बहुत टाइम हो रहा है। हाँ पहले बोलते हैं रगड़ा पूरी लाऊंगा। हाँ फिर तो वो ना आठ, हाँ तो 8 बजे खुलता है। हाँ हिम्मत नहीं जागने की। हाँ तो हम लोग ने बोले भाई तू सांबर ही ला, नहीं तो मैं रगड़ा खाती थी। अगली भाई तू सांबर ही ला, हम लोग सांबर खा लेंगे ऐसा। अरे माँ कसम, रगड़ा ही लाए। चलो गाइस गाइस मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और आपको मिली मेरा चेहरा, मेरा बाल इधर उधर रहेगा तो उसको अवॉइड करना क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर में और मैं आपको दिखा देता हूँ आज सुबह का मौसम कैसा है। वाओ, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा रहेगा अच्छे से, यहाँ से दिखाता हूँ। वाओ सुबह का इतना प्यारा मौसम। यस माशाल्लाह माशाल्लाह, बस यही देख के दिन बन गया। गाइस हम तो खा ही रहे थे, ये देखो यहाँ पर आकर बैठ गए कि मैं भी खाऊंगा। अब खुद के खद्दौड़ बने का क्या कहा जाए, खुद के खद्दौड़ बने का क्या, मेरे को ऑफिस जाना है, मतलब कुछ नहीं खाने से अच्छा है। अरे कुछ... कितना झूठ बोल रहे गाइस, देखो मेरे प्लेट में चटनी भरे जा रहे और इसमें से खाए जा रहे। अभी एक निवाला खाया, वो अभी इतना सारा आया तो वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। टॉयलेट के लिए चिल्ला रहा था और बाद में रणवीर आया तो नेजी ने बोला भाई हो जाता है यार कभी कभी फ्लैश करके, इंसान कमोड के अंदर थोड़ी देखते खड़े रहता है कि कितने लेंडे और कितने। तो रणवीर ने उसको इतना प्यार से बोला था, अभी हाँ हाँ जैसे कि वो कुछ नहीं आता उसको, सब समझ में आता है। और उसने कितना अच्छा जवाब दिया, मतलब एकदम मेरा दिल आ गया इतना सॉफ्टली और इतना प्यार से। हाँ मतलब तुम कुछ भी, हाँ 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 नेजी का बोलने का तरीका था, हाँ यार मैं क्या बोलूं भाई यार, उतना डाउन टू अर्थ इंसान ने होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। और फिर भी कितने प्यार से रहता है। और एक देख लो अरमान मलिक, हाँ आया बड़ा। पहले तो गाइस एक बात मैं बता देती हूँ, मैं और मम्मा जब बिग बॉस देखते थे तो हम लोगों को विशाल कुछ इतना ग्रेट नहीं लगता था। लगता था क्या मम्मा? नहीं मेरे को तो नहीं लगता था। मुझे भी नहीं लगता था, क्यों झूठ बोलूँ, मतलब ठीक है मतलब यंग एज में अपना खेल रहा है। लेकिन है ना जब उसका कॉन्ट्रोवर्सी हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना तो कुछ किया नहीं उसने जितना तो पहली बात लोग बवाल बना दिए। हाँ एक मुझे सेंटेंस अच्छा नहीं लगा, भाग्यशाली भैया वाला, लेकिन फिर भी चलो बना दिए। लेकिन उसके ऊपर से मम्मा को तो इतनी गुस्सा आ गई ना अरमान के ऊपर। मम्मा बोलते मैं तो बिल्ली के माफिक अपने से पंजे निकालता, फुस नहीं बिल्ली के माफिक पंजे भी निकालता, सांप के माफिक डस भी लेता। सही बात है। क्योंकि जो उसने उस किया है, ओके लाइव टीवी चल रही है, लोग देख रहे, इतने फैंस लोग है, ओके तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। ओके मैं तो उसी टाइम फैन बेस रिवर्स कैसा करते हैं, गुड से बैड कैसा करते, कोई अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक से सीखे। अभी क्या करे, दो दो शादी की है तो दोनों का जो दिमाग है घुटने में, तो भाई उसका भी दिमाग घुटने में चले गया है। बस कुछ भी हो जाए उसको मारना नहीं चाहिए था, एकदम नेगेटिव ही हो गया, एकदम नेगेटिव, उसको मारना नहीं चाहिए था, उसने मार गया, बहुत बड़ी गलती की है। ओके और गाइज आप क्या बोलना चाहते हो कमेंट में बता दीजिए कि उसने अच्छा किया बुरा किया। अभी मैं खाने में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बिग बॉस को बाद में देखेंगे। और नेजी सबसे बेस्ट है। हाँ नेजी इज द बेस्ट, वोट फॉर नेजी। तो गाइज बाथरूम में आ गया बिच्छू, कहाँ है बता बता मार, मेरे को डर लगता है। कहाँ है भाई, दिख भी नहीं रहा, कहाँ से आया? इधर से आया हूँ। गाइस हमारे घर पे आ गया तब बिच्छू, जैसे कि आपने देखा हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की फिर बिच्छू मिला नहीं और सब लोग डर गए। हमने मम्मा का आने का वेट किया, मम्मा ने भी फिर चेक किया कि बिच्छू है कहाँ, और सब देखने के बाद फिर भी हमको बिच्छू मिला नहीं। और फिर हमने बोला चलो ठीक है कोई बात, अब नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते है। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सिलेंडर वगैरह भी खत्म हो गया था अम्मी का, तो फिर रिटर्न करके आए हम लोग। और इसी के साथ मैं ये वाली व्लॉग करती हूँ यहाँ पर एंड। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलते हैं गाइस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।